हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए 6 और मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। किचन में लगी हूँ और इधर बच्चे भी उठ गए। ईशू गई है नहाने के लिए और गुड्डू अपनी तैयारी कर रही कपड़े कुपड़े रखने की। कर ली सारी? हाँ, तो जब तक वह नहाएगी मोबाइल देख लगी थोड़ा बहुत। तो दोनों तैयार हो जाएंगी और मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज मुझे बनाना है राजमा। स्पेशल डिमांड थी बच्चों की, तो यहाँ मैंने उबलने के लिए रख दिया था। हो गया है ये बस। अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी और यहाँ देखिए तड़के की तैयारी भी कर ली मैंने। टमाटर प्याज वगैरह पीस लिए सारे और बस फटाफट से तड़का लगा दूंगी। और उधर आपको दिखा दूँ बाबू जी लग रहे योगा करने पर। वो देखिए तो अपने योगा पे लग गए। तो सभी अपने अपने काम पर लग चुके हैं, तो फटाफट से मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे फिर जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं सब्जी में लगा दूंगी तड़का, क्योंकि जब ऐसी सब्जी बनती है ना थोड़ा टाइम लगता है। आलू वगैरह या भिंडी तो ये तो जल्दी बन जाते हैं, और राजमा रुजमा या कुछ ऐसी सब्जी बनेगी तो टाइम लगता है। तो फटाफट से करती हूँ मैं काम। राजमा उबल गया है और अब बस लगा दूंगी तड़का। यहाँ कढ़ाई रख ली, इसमें ऑयल डाल लिया, जीरा डाल लिया, वही सिंपल सा ही वही है तरीका मेरा जैसा डेली बनाती हूँ। प्याज डाल ली और इनको फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे हल्का, और फिर बस इसमें डाल लेंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल लूँगी मसाले जो भी डालने हैं, हल्दी, नमक, मिर्च। और नमक मैंने थोड़ा सा पहले बॉईल करते हुए डाल दिया था और अब इसमें डाल दूँगी, थोड़ा और डाल दूँगी। और हल्दी डाल दी और टमाटर में डाल के हल्दी वगैरह डाल लेते हैं ना तो अच्छे से कलर आ जाता है सब्ज़ी पे। फिर धनिया पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी डाल दिया लाल मिर्च। तो यहाँ बस देखिए बन के ये टमाटर की ग्रेवी पक गई है बहुत अच्छे से। अब जो राजमा हमने बॉईल किया है वो भी इसके अंदर डाल लेंगे और बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। तो बस मैं थोड़ी सी अब इसमें डाल दूँगी ऊपर से लाल मिर्च, वो देगी मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आए। और बस थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ सब्जी राजमे की पका लूँगी, वैसे तो बॉईल बहुत अच्छे से होगी और बस इसमें अच्छे से खद्दा लग जाएगा तो ये बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ सब्जी बन गई है और ईशु खा रही है फ्रूट। ईशु ना दो के तैयार हो गई थी पहले ही। ये बता क्या हो रही हो? सेव हो गया। अरे जो मैं पकड़ रखी इसकी पक गया। डंडी हो गुड्डू? हाँ डंडी होती है। अरे अरे पता नहीं किसी को भी पढ़ा लिख के भी खो दिया सारा का सारा। पढ़ा लिखा था यहाँ का वैसे ही खोया हुआ, रोटी तो पढ़नी और क्या है, पढ़ा लिखा काम हो रहा। अरे और काम तो आ ही रहा, कंप्यूटर नहीं चलाती तू? पता ही सीखा हुआ ही ना कहीं और तो काम आया मेरे। अरे तो जब ना पढ़े हुए होती क्या कह रहे हैं? डंठल 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 तो हो जो पेड़ पर लगी जाए, पेड़ हो जिसमें तो पेड़ ही तो है जिसको पत्ती भी लगे, पत्ती लगे इसको भी नहीं, ये डंठल होती है। क्या बना बच्चों के लिए? राजमा कल कई दिन हो गए, मम्मी रोज भिंडी और आलू ही दो, भिंडी और आलू ही दो। चल कुछ और बना। ईशो तेरा ये तो कच्चा निकल गया, इसे तो यही खा लिया तो है। और मैं सेव काट रहा आपके लिए, ठीक है? ये तो देखे कितना बड़ा, 2-3 किलो का होगा कच्चा बिल्कुल। ये सब आप पीस कर पाइए उसके लिए इसके तो लाए। हाँ तो मेरा 100 रुपए का कम नहीं होगा तो होगा मित्र बढ़ रहा बेचारा। यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी और गुड्डू के पापा ने फल ये फ्रूट काट दिए हैं क्योंकि ईशु को लंच में भी देने हैं और यहाँ भी ये खा के जाती है। रोटी तो इसका ऐसा ही है कि खाती है नहीं खाती है एक आध बाइट, लेकिन फ्रूट ये खा लेती है और गुड्डू तो नहीं खाती फ्रूट। तो यहाँ बस मैंने बना दिया है खाना, अब इनका लंच पैक कर दूँगी जो लंच है, तो ये तैयार करके फिर बच्चों के कंघी वगैरह अभी नहीं की। और ईशु आज अपने आप ही तैयार होगी क्योंकि ये वाली जो ड्रेस है ना ये आसानी से पहन लेती है
और ये बोलती भी है कि मम्मा ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं खुद पहन लेती हूँ। और स्कर्ट पहनने में और शर्ट जो दूसरे वाली ड्रेस है उसको पहनने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बटन बंद करने में भी और स्कर्ट पहनने में, क्योंकि अभी छोटी है। तो इस वाली ड्रेस को ये अपने आप ही पहन लेती है, वो तैयार हो चुकी है, जितना उससे हो गया बस कंघी रह गई दोनों बहनों की। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लंच, बन के तैयार हो गया तो इनका पैक कर दूँगी बस, फिर मेरा जो किचन का काम है वो हो जाएगा। अब बाद में बस बच्चों की कंघी वगैरह कर दूँगी। और यहाँ ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो ये दोनों लग के करते हैं जब जाके होता है सारा काम, अकेले तो लगे रहो। और सुबह के टाइम आजकल बच्चों का टाइम भी जल्दी हो गया और भी ज़्यादा, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं तो वही फटाफट उठ के करना पड़ता है, और 5 बजे उठते हैं जब जाके कहीं, 7 बजे तक इनका काम होता है। क्योंकि पहले अपने भी ब्रश वगैरह करना, झाड़ू लगाना, ये वो थोड़े बहुत छोटे छोटे से काम काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर जल्दी उठते हैं। और यहाँ बस इन्होंने फ्रूट वगैरह रख दिया, मैंने लंच लगा दिया बच्चों का, तो किचन का काम, ये बच्चों का काम जो किचन का है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस मैं फटाफट से बच्चों को तैयार कर दूंगी, इनकी कंघी वगैरह कर दूंगी। अरे ये देखिए ईशु की भी कंघी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ईशु तैयार तो हो ही गई आज, और बस इसके बाद कर दूंगी गुड्डू की। तो बच्चे हो गए हैं तैयार, और सच में बताऊँ आपको हमारे उठने से भी पहले बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को ना पेरेंट्स से भी ज़्यादा टेंशन रहने लगी, माँ बापों से भी, कि कभी लेट ना हो जाए, गाड़ी ना छूट जाए, दोनों की दोनों ऐसी हैं। मैं कहती रहती हूँ 5 बजे उठ के बैठ जाती हैं, 5:30 बजे, बल्कि मैं बोलती हूँ कि अभी टाइम है थोड़ी देर और लेट जाओ, क्योंकि दिन में तो ऐसे ही भाग दौड़ भी रहती है, थकी रहती है, लेकिन दोनों की दोनों कहती है नहीं मम्मा लेट हो जाएंगे हम, और कभी हमारी गाड़ी निकल जाए, ऐसे ही रहता है, बस निकल जाए। तो फिर मुझे भी लगता है चलो ठीक है, आराम से जल्दी उठेंगे तो आराम से तैयार हो जाएंगे, भाग दौड़ भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी इन्हें, तो मैं आराम से तैयार हो जाती है दोनों। और अब तो ईशू भी अपने आप नहा धो लेती है, मैं पानी रख देते हैं बस उनका, ईशू का करके बाल्टी में, तो वो नहा लेती है। तो यहाँ बस बच्चे हो गए दोनों तैयार, अब बस दे दूँगी नाश्ता इनको। नाश्ता कर लेंगे, और गुड्डू तो रोटी खाती है, फ्रूट नहीं खाती है, और ईशु को मुश्किल होता है एक आध बाइट खिलाना, तो मैं कह रही हूँ मैं नहीं बेटे खा ले, क्योंकि दोपहर को ही खाएगी स्कूल में, और थोड़ा सा तरबूज ही खाया उसने, उसमें क्या होता है, क्योंकि दोपहर तक फिर ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ बस बच्चे खा के फिर जाएंगे स्कूल। नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया, ये देखिए, और इन दोनों भाइयों ने कर लिया है, और अब मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे राजमा आज बनाया, और रोटी और चाय, और चाय का भी मैंने पूरा बड़ा कप ले लिया भर का, देखूँगी पीऊँगी कितनी अभी पता नहीं। तो जी आज आ जाओ आप भी, नाश्ता कर लो आप भी आके। तो नाश्ता वगैरह हो गया है सबका, मैं भी अपने ऑफिस चले गए दोनों भाई, और मैं भी अपने काम पे लगी, मैंने नाश्ता कर लिया, अब बस मेरा काम का टाइम हो गया शुरू, क्योंकि अब बिल्कुल फ्री इनको भेज के ना फ्री हो जाती हूँ, फिर आराम से सारा काम करती हूँ। और आज देखे मैंने ना साड़ी पहनी है, और साड़ी पहन के ना थोड़ा मुश्किल सा लगता है काम करना, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसा 5-4 दिन लगातार पहनूंगी ना, तो एक हैबिट सी बन जाएगी, फिर ईजी हो जाएगा सारा काम करना। और शुरू शुरू में 1-2 दिन जब करना शुरू करती हूँ तो थोड़ा यूँ लगता है कि कभी, मतलब काम करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, हालांकि साड़ी पहन के मुझे पोचा वगैरह लगाने में ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वो तो खैर आंटी लगा देगी, लेकिन जैसा खड़े खड़े काम करना, जैसा गैस का, किचन का, या फिर खाना बनाना, ये मैं आसानी से कर लेती हूँ। तो यहाँ लगी हुई हूँ बस मैं साफ़ सफाई करने में किचन की, पहले सारा सामान संगवा दिया, और सबसे बड़ा काम किचन का ही होता है, और लेडीज़ का ना आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, आधे से भी ज़्यादा ही।
क्योंकि सुबह एक तो तीनों टाइम खाना बनाना उसमें जाता है, फिर वही है, फिर साफ़ सफाई भी करनी, फिर बर्तन भी करने, वही है, आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही चला जाता है। तो यहाँ बस मैंने फटाफट से पूरे किचन की कर दी है क्लीनिंग, गैस वगैरह भी कर दिया साफ, और बस अब मैं अपने जो छोटे मोटे और काम है वो कर लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए सारे, आंटी आएंगी वे कर लेंगी, और फ्रिज में भी मैं एक बार रोज़ मतलब सामान लगा के कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा ना फैले, और उसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी वगैरह रखी रहती है और हमारे याद नहीं रहती निकालनी, लेकिन एक बार जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना सुबह के टाइम, तो एक बार फ्रिज को ज़रूर सेट करती हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो निकाल देती हूँ। कई बार याद नहीं रहता निकालना तो उस टाइम वो निकल जाता है। और अब देखिए, मैंने कल मंगाया था राशन, और राशन काफ़ी सारा ख़त्म हो रहा था, कुछ था कुछ नहीं था, तो मैं वो ही देख रही हूँ। जो पहला रखा था वो भी मैंने निकाल दिया, और जो अब मंगाया वो भी रख लिया, तो मैं देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं डब्बे में, और जितने जार मेरे खाली है वो सारे मैं जार में डाल दूँगी सामान, और बाकी का एक्स्ट्रा जो सामान है वो सारा मैं बाल्टी में रख दूँगी करके। जो ये बड़ी बाल्टी ली हुई है मैंने अलग से रखी, इसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रख देती हूँ। तो यहाँ बस फटाफट से लगा दूंगी सारा सामान जो भी मतलब जार में आएगा वो। तो सुबह का मेरा काम हो गया है, किचन भी क्लीनिंग होगी, तो उसके बाद बस फिर मैंने अपना घर सारा सेट कर दिया, बेडशीट वगैरह झाड़ दी, जो भी और सारा सफाई का काम, तो सुबह ही सुबह यही काम होते हैं। सुबह 10 बजे तक, 5 बजे से 10 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता सुबह 5 बजे उठ के, तो पूरी भागम दौड़ साफ सफाई काम करना खाना बनाना, इसी में ही सुबह का टाइम निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो देखिए दोस्तों, मैं आया अभी अभी ऑफिस से, और आसो लग रही रसोई में, क्या बना रही है आज? आज तो सुबह का रखा हुई राजमा बनाया, मीठा सुबह ही बना दिया था, मैं दोस्तों बहुत टाइम का हो क्या अलग अलग ऐसी चीज थोड़ी ज्यादा ही बने, वो सुबह तो इतनी सी खाई जा, सुबह इतनी ज्यादा खाई तो जाते नहीं है, फिर मगर दोपहर का भी काम हो जाए थोड़ा ज्यादा सही बना दिया था मैंने। ऐसी स्पेशल सी चीज तो ज्यादा ही बनाई जा फिर। अब फिर सब्जी भी तीन, पहले तो दो ही टाइम बनाती जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब तो सुबह भी बननी जरूरी है, तो अब तीन टाइम सब्जी बने, तीनों टाइम सोचना पड़ा है क्या बनाओ क्या ना बनाओ सब्जी का। और कन्हैया का दोस्त भी आएगा एक, आज मैंने बताया नहीं, दिक्कत है तो ये लग रही रसोई में। अब मैं जाऊंगा, अब जब बच्चों को लेने के लिए टाइम हो गया उनका, बस 10 मिनट रह रही, 1 बजे छुट्टी हो जाए उनकी, और 1:15 बज गया, 15-20 मिनट में बस आ जा, और 20 मिनट लगे बस, यानी कि 1:30 बजे के लगभग आ जा बच्चे। आज का कन्हैया की तबीयत डाउन है, तो आज मैं जाऊंगा बच्चों को लेने। वही बहुत बड़ी ड्यूटी है यार, बेचारा कन्हैया करे ऐसे, तो नहीं तो मैं तो परेशान हो जाता अकेला तो। कन्हैया बहुत मेहनत करे, एक एक मिनट में कुछ भी बता दो भाई, यो सामान चाहो चाह, या भी बताओ जा भाई, यो ला दे यो कर ले, अब बेचारा बिल्कुल भी आड़कस नहीं करता। आज उसकी तबीयत डाउन है, तो इसलिए मैं जा रहा बच्चों को लेने के लिए। जी, खाना बन के हो गया है तैयार, और सब्जी तो जैसा कि आपको पता ही है राजमा मैंने सुबह बनाया था, तो ये ही दोबारा फ्राई कर दिया, और यहाँ देखिए बन गए हैं चावल, और सलाद भी काट दी, और ये दही थी इसको मैंने फेंट दिया, तो दही भी बन गई, तो और रोटी भी बना दी मैंने, सारा काम मैंने तैयार कर दिया, और अभी आए नहीं बच्चों को लेके, जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, और जो कन्हैया के दोस्त हैं वो भी नहीं आए अभी, 1:30 बजे बोला था उन्होंने, लेकिन 1:30 बज गए, लेट हो गए होंगे, कहीं पे लग जाता है टाइम, तो मैंने सारी तैयारी कर दी, अब जब आएंगे बस खाना दे दूंगी, और बस ये थोड़े से बर्तन, तब तक ये बर्तन वगैरह भी करके रख देती हूँ।